तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। काफ़ी लंबे अरसे, लंबे वक्त के बाद लोकेशन चेंज, वापस पुरानी जगह, वही ऑफिस जहां से आपको सैकड़ों कहानियां सुनाई। अब तक डिफरेंट लोकेशन था, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, विजय चौक हो या और कहीं हो, उसका भी एक अलग मज़ा था। और ऑफिस में आने के बाद बस ये है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। तो काफ़ी वक्त के बाद ऑफिस आना हुआ, तो आज कहानी की शुरुआत ऑफिस से, वापस पुराने उसी जगह से। एक कहानी की फरमाइश बहुत सारे लोगों ने की थी आप में से ही। जैसा मैंने बार बार कहा कि धीरे धीरे सभी की बारी आ रही है। आज की जो कहानी है, अगर मैं हिंदुस्तान में करप्शन की बात करूं तो शायद सबसे ज़्यादा जो आवाज़ पहली बार उठी, जिसको लेके पूरे देश में गुस्सा उठा, ये वो कहानी है। आज की जो कहानी है, उस कहानी में एक और भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, वो ये कि एक ईमानदार इंजीनियर देश के प्राइम मिनिस्टर को मेल लिखता है, बाकायदा मेल में सारी डिटेल लिखता है और बताता है उसी प्राइम मिनिस्टर को, जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे देश में, कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कैसे करप्शन है, कैसे बड़े बड़े करप्ट लोग इसमें शामिल हैं। और मेल लिखते हुए वो नौजवान ये भी डर रहा है कि अगर उसका नाम सामने आ गया तो उसकी जान जा सकती है, इसीलिए वो नीचे अपना नाम नहीं लिखता, लेकिन वो अपना CV उस मेल के साथ ज़रूर भेजता है PM ऑफिस को और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर को, और कहता है कि इस मेल में जो भी है चीज़ें आप उसे देखिए और इस पर एक्शन लीजिए, वरना आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है इस देश के लोगों की भलाई के लिए, वो करप्शन की भेंट चढ़ जाएगी। हैरानी इस बात की है कि एक जो खुफिया मेल जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया और ये कहा गया कि इस मेल को लीक ना करें, इस मेल में मेरा नाम ना आए, मेरे नाम को सामने ना लाया जाए, उसी PM ऑफिस के कुछ करप्ट और भ्रष्ट अफसरों ने न सिर्फ उस मेल को आम कर दिया, बल्कि उस मेल को बाकी तमाम जगहों पे अफसरों को भेज दिया और कहा कि देखो इस तरह की शिकायत आई है। और इसके बाद जिस शख्स ने, जिस ईमानदार शख्स ने ये मेल लिखा, उसे गोली मार दी जाती है, उसकी मौत हो जाती है। बाद में ये मामला लोकसभा में उठता है, प्राइम मिनिस्टर को बयान देना पड़ता है और देश और दुनिया में उसको लेकर एक मुहिम चलाई जाती है। अब तक आप समझ गए होंगे, कहानी सत्येंद्र दुबे की है, हिंदुस्तान का एक होनहार स्टूडेंट, IIT का स्टूडेंट और एक ईमानदार इंजीनियर, जिसने ये बताया कि ईमानदारी से भी काम किया जा सकता है। बिहार में सिवान से आप सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि सिवान से शहाबुद्दीन जैसे डॉन भी पैदा हुए। उसी सिवान के बराबर में जीरादेही है, जहाँ से देश के पहले प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वो भी पैदा हुए। और इसी सिवान के एक गांव से सत्येंद्र दुबे का भी जन्म होता है। बेहद गरीब परिवार, पिता के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, एक क्लर्क की भी नौकरी करते थे वो। 7 भाई बहन, जिसमें 5 बहनें और 2 भाई सत्येंद्र दुबे का। लेकिन सत्येंद्र दुबे पढ़ने में होशियार, गांव में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी सुविधा नहीं, लेकिन एक जुनून था। और ये जुनून ऐसा काम और रंग लाया कि बिहार के 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में सत्येंद्र दुबे ने पूरे स्टेट में टॉप किया, पहले 10th में, फिर 12th। इससे पता चल गया कि ये बच्चा बेहद होनहार है। इसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा और फिर सत्येंद्र दुबे का जो चयन है वो IIT कानपुर में होता है, देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के लिए। तो IIT कानपुर से पढ़ाई के बाद आगे फिर पढ़ने के लिए सत्येंद्र दुबे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहाँ से फिर PG करते हैं इंजीनियरिंग में। और इसके बाद उनकी नौकरी लगती है, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस चुनते हैं। और उसी वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट जो था वो देश के तमाम इलाकों को सड़कों से जोड़ना, ख़ासतौर पर 4 लेन वाली हाईवे सड़क बनाना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के तहत ये प्रोजेक्ट था और पूरे देश में तमाम ऐसे जगहों को इस हाईवे के साथ जोड़ने का एक सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और ये कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट और ड्रीम, इसलिए कि जब तक आप सड़कों से जुड़ेंगे नहीं, आप रोज़गार और बाकी चीज़ों में तरक्की करेंगे नहीं। तो करीब 14,000 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी हाईवे इस प्रोजेक्ट के तहत, और इसका जो बजट था उस वक्त जब ये शुरू किया गया था, $10 बिलियन में 14,000 किलोमीटर लंबी सड़क,
फोर लेन हिंदुस्तान के कोने कोने से जोड़ना, ताकि आवागमन आसान हो और इससे देश भी प्रगति करे, लोगों का भी भला हो, रोजगार हो, उनको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाने का, अपना सामान भेजने का मौका मिल सके। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस एनएचए की स्कीम के तहत इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और इसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में कदम रखने के बाद सत्येंद्र दुबे को इस जो प्रोजेक्ट था 2003 में, बल्कि 2 में ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसका नाम था, इसके साथ जोड़ा गया और वो इसमें एक अहम पद पर थे। और उस वक्त उन्हें झारखंड का एक पूरा जो बेल्ट था कोडरमा और वहां, उसके तहत एनएचए के तहत काम सौंपा गया। जब सत्येंद्र दुबे ने ये जिम्मेदारी ली तो उन्होंने धीरे धीरे पाया कि इस हाईवे के बनाने में बड़ा जबरदस्त करप्शन है। करप्शन कैसे है, जो आज भी है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका मिलता है, टेंडर खुलता है, एक बोली लगती है, कंपनियों ने पैसे लगाए, जिन कंपनियों के नाम आए, जिनकी महारत है हाईवे और सड़क बनाने में, उन लोगों की बोली लग जाती है। लेकिन यहाँ पे पहलू एक है कहानी का। आगे कहानी शुरू ये होती है कि अब एक कंपनी को, मान लीजिए कोई एक कंपनी के नाम है, उसको एक पूरा ये ठेका मिल गया कि चलो पूरा यूपी से लेके बिहार और बिहार से लेके उड़ीसा और उड़ीसा लेके बंगाल तक किस अब हाईवे आप बनाओगे। अब एक इसमें कंपनी भी बड़ी होती है जिनके पास बहुत सारे पैसे, मशीनें, लोग हों, तो ऐसी कंपनियों को ठेका मिलता है। करप्शन शुरू कहाँ से होता है, इसके बाद अब ये कंपनियाँ पहुँची सपोज बिहार। अब बिहार में वो टेंडर लेकर आई हैं, उनको सड़क बनानी है करीब बिहार में, मान लीजिए 1000 किलोमीटर लंबी है। लेकिन जैसे ही वो उन दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो हर इलाके का अपना अपना एक डॉन होता है, गुंडा होता है, एक माफिया होता है और बहुत सारे नेता होते हैं। तो उनका ये होता है कि भैया तुमको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, हमारे इलाके में सड़क बनाओगे, पैसे तुम कमाओगे, हमारा क्या होगा। तो फिर ये होता है कि प्रोजेक्ट या टेंडर तो एक बड़ी कंपनी को मिला, लेकिन कंपनी इन लोगों के आगे हार जाती है। उसका कहती है कि ठीक है, ये छोटे मोटे, जैसे अगर सपोज एक इलाके से 100 किलोमीटर की सड़क बनानी है तो एक काम करो, 10 किलोमीटर का ठेका तुम ले लो, 10 का तुम ले लो। मतलब एक ऑलरेडी जिसको सरकार ने, भारत सरकार ने ठेका दे दिया, अब वो छोटे छोटे ठेके उन इलाकों के उन गुंडों को, माफियों को, नेताओं को दे रही है ताकि वो काम शांतिपूर्ण तरीके से करने दें। और यहीं से करप्शन शुरू होता है। इसके लिए बड़ी कंपनियों के जो अफसर हैं उनको भी रिश्वत दी जाती है, जो इंजीनियर उनको भी रिश्वत दी जाती है। अब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ठेका देके काम करा रही, यहाँ तक कोई बुराई भी नहीं है, चलिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन होता यह है कि जिन लोगों को ठेका दिया जा रहा, जिन नेताओं को, जिन गुंडों को, जिन दबंगों को, उनके पास ना मशीन है, ना उन्हें आइडिया है, ना उनके पास लोग हैं। तब ऐसे में क्या होगा, वो चलताऊ सड़क बना देंगे जिसकी जो मोहलत होगी, जिसकी जिंदगी होगी, वो 6 महीना साल भर के बाद वो सड़क फिर से वैसी हो जाएगी। तो यहीं से करप्शन शुरू होता है कि आपके पास ना मशीनें हैं, ना लेबर है, ना आपके पास इंजीनियर है। तो जब ये सारी चीज़ें सत्येंद्र दुबे ने काम शुरू किया एक प्रोजेक्ट इंचार्ज के तौर पर, तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा, कागज़ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के टेंडर है लेकिन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग छोटे छोटे जो लोग हैं वो अपना टेंडर चला रहे हैं। फिर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से शुरुआत की, तो पता चला उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, जो सरकारी इंजीनियर है। उन्होंने ऐसे 3-4 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। बाद में उन लोगों की भी पहुंचती आवाज उठाई। फिर उन्होंने धीरे धीरे करप्शन के बाद अपने सीनियर को, अपने डायरेक्टर को, जो एनएचए के थे, उनको लिखना शुरू किया। एनएचए के डायरेक्टर ने इतनी सारी कंप्लेंट उनकी देखने के बाद वो भी चढ़ गया और उसने क्या किया कि उठाकर ट्रांसफर कहीं और कर दिया। अब झारखंड से उठा के बिहार बुला लिया। तो ये सिलसिला चलता रहा लेकिन काम किसी ने नहीं किया। जो जिस करप्शन की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा था वो करप्शन की बात की नहीं, इधर उल्टा ये हुआ कि इतनी सारी शिकायतें धीरे धीरे लीक होनी शुरू हो गई कि डायरेक्टर के पास जा रहा है, सत्येंद्र दुबे के अपने जो सुपीरियर इंजीनियर उनके पास शिकायत की कॉपी भेजी। अब इन लोगों ने उन लोगों को जानकारी देनी शुरू कर दी जिनके खिलाफ सत्येंद्र दुबे लिख रहे थे और बता रहे थे कि ये करप्शन है, इससे सरकार का नुकसान है। तो एक तरफ कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, दूसरी तरफ हो ये रहा है कि सत्येंद्र दुबे के दुश्मन हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सत्येंद्र दुबे को इस बात का एहसास था। आखिर में जब कहीं से इंसाफ नहीं मिला, करप्शन नहीं रुका और एक आईआईटी कानपुर और वहां से पढ़ के निकलने के बाद एक सपना था कि इस देश को मैं कम से कम जब तक नौकरी करूंगा रिश्वत के एक पैसे नहीं लूंगा। और इसी जोश के साथ सत्येंद्र दुबे ने काम शुरू किया था।
लेकिन जब हकीकत देखा तो कुछ और थी। तो अपने सारे नीचे से ऊपर के अफसरों को शिकायत करने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो आखिर में सिर्फ एक रास्ता बचा था सत्येंद्र दुबे के पास, और वो रास्ता था देश के सबसे बड़े नेता प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी देना कि किस तरीके से आपके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में करप्शन और भ्रष्टाचार की घुन लग गई है। सत्येंद्र दुबे ने एक मेल लिखा, मेल के साथ अपना पूरा बायोडाटा CV भी भेजा अलग से अटैच करके, और उन्होंने बताया कि ये करप्शन कैसे और कहां हो रहा डिटेल में, और एक आखिर में बड़ी गुजारिश के साथ लिखी कि प्लीज़ मेरा नाम मत डिस्क्लोज कीजिएगा वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप इसके बारे में छानबीन कीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ ये मेल अचानक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही कुछ करप्ट अफसरों की वजह से लीक हो जाता है, और वो लोग अलग अलग NHA के जो हेड थे स्टेट के उनको भेज देते हैं कि देखो ये सत्येंद्र दुबे इसने क्या लिखा। और इत्तेफाक से इंडियन एक्सप्रेस उस वक्त जो न्यूज़पेपर, उसके पास भी कहीं से ये जानकारी मिली और इंडियन एक्सप्रेस ने ही छाप दिया कि कैसे एक गुप्त मेल, एक गोपनीय मेल देश की सबसे महफूज जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी लीक की गई, और वो भी कि उसका नाम जबकि नहीं बताना था, लेकिन PMO ऑफिस से वो सारे जो मेल भेजे गए लोगों को NHA से जुड़े हुए उसमें बाकायदा सत्येंद्र दुबे का नाम डाल दिया। यहीं से पहले से खतरा था, कहानी पलट जाती है। 27 नवंबर 2003 में ही लेटर लिखा गया था PM को, और उसके कुछ दिनों के बाद 27 नवंबर 2003 को सत्येंद्र दुबे बनारस में एक फैमिली फंक्शन था, शादी थी, वो अटेंड करने जाते हैं। शादी अटेंड करने के बाद वो वापस 27 नवंबर को अपने घर बिहार लौट रहे थे। गया, बिहार में एक जगह गया, बौद्ध गया, तो लौट रहे थे। लौटते वक्त उन्होंने ट्रेन से फोन किया अपने ड्राइवर को कि गाड़ी लेकर तुम स्टेशन आ जाना। ट्रेन पहुंचनी थी गया स्टेशन पर सुबह 3 बजे। इसके बाद सत्येंद्र दुबे ट्रेन में चढ़ते हैं और बनारस से गया पहुंचते हैं सुबह 3 बजे। स्टेशन पर कुछ देर इंतजार करते हैं, ड्राइवर नहीं, गाड़ी नहीं। पता चला कि उस गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, उसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो गाड़ी आई नहीं। सत्येंद्र दुबे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी ही दूर है। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और उस रिक्शे में बैठ गए। उनके हाथ में एक बैग था कि यहाँ से घर चलेंगे। जब वो रिक्शे से गया में सर्किट हाउस के पास से गुजर रहे थे, उसी वक्त उन पर हमला हो जाता है, उन्हें गोली मारी जाती है। गोली मारने वाला उनसे बैग छीन लेता है और वो भाग जाता है। कुछ देर के बाद ड्राइवर को जब लगता है कि अभी तक साहब घर नहीं पहुंचे, वो वापस स्टेशन जाता है। स्टेशन पे भी नहीं मिलते तो फिर लौट रहा होता है, तो रास्ते में स्टेशन और घर के बीच सड़क किनारे एक शख्स की लाश मिलती है। वो शख्स सत्येंद्र दुबे, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 30 साल के करीब थी। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक डॉक्टर मृत करार देते हैं। सुबह जब सत्येंद्र दुबे की मौत की खबर आती है, बिहार से बाहर निकलती है, पूरे देश में लोगों का गुस्सा जाग जाता है। इसलिए कि यह खबर सत्येंद्र दुबे का करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई, PMO ऑफिस से वो मेल लीक होना, इंडियन एक्सप्रेस में वो खबर छपना, उसके बाद एक ईमानदार इंजीनियर, एक ईमानदार सरकारी अफसर जो वैसे ही बड़े कम मिलते हैं, उसकी इस तरह मौत, दोनों चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ा जाता है और लोगों को लगता है कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी भेंट चढ़ गई और उन्होंने ही मारा है। इसको लेके बड़ा गुस्सा होता है, जगह जगह धरना प्रदर्शन होते हैं, बिहार सरकार भी दबाव में आती है। लोकसभा में ये मामला उठता है, लोकसभा में बाकायदा उस मेल के लीक होने की बात उठती है, लोकसभा में उसको उठाए गए भ्रष्टाचार की बात उठती है। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को बाकायदा इस पर बयान देना पड़ता है, और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर खुद दखल देते हुए इस मामले की जांच CBI को सौंप देते हैं। CBI की टीम अब बिहार पहुंचती है, जांच शुरू करती है। इसके बाद सबसे पहले उस रिक्शे वाले को पकड़ा जाता है जो उस रात सत्येंद्र दुबे को लेकर स्टेशन से घर जा रहा था। रिक्शे वाले से काफी पूछताछ की गई। उस रिक्शे वाले का जब पुराना रिकॉर्ड ढूंढा गया तो पता चला कि वो कई बार ऐसे लूटपाट की वारदात में शामिल रहा है, लेकिन कोई सबूत मिला नहीं, इसलिए उस रिक्शे वाले को बाद में छोड़ दिया गया। धीरे धीरे फिर जांच हुई। जांच होने के बाद और 4-5 लोगों को पकड़ा गया। उनमें से 2 लोगों को CBI ने जब पूछताछ के लिए बुलाया और कई दिनों तक पूछताछ की, उसके बाद जब उसे छोड़ा और कुछ कुछ लग रहा था कि शायद केस के नतीजे तक पहुंच जाएंगे, तभी अचानक खबर आती है कि उन 2 लोगों ने जहर खा के खुदकुशी कर ली। ये CBI का कोर्ट है। हालांकि कहा यह जाता है कि उन लोगों को जहर देकर जबरन मार दिया गया, इसलिए कि सत्येंद्र दुबे के कत्ल के पीछे जो लोग थे वो बहुत ताकतवर लोग थे, कहीं कड़ियां वहां तक न चली जाए।
तो सीबीआई ने चूंकि उन दो लोगों को उठा लिया था और उनके जरिए वो कातिल तक पहुंच सकती थी, इसीलिए उन दोनों को भी रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने बयान दिया कि उन दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और शायद सीबीआई की पूछताछ के बाद वो घबरा गए थे। इसके बाद मामला चलता रहा, लेकिन कहा यह जाता है कि मामला जांच की बजाय दबाने के लिए ज्यादा चलता रहा, धीरे धीरे वक्त भी था। तीन लोगों को आखिरकार सीबीआई ने, बल्कि चार को किया था, एक छोड़ गया, तीन लोगों को सीबीआई ने सत्येंद्र दुबे के कातिल के तौर पर चार्जशीट दाखिल किया और उनके नाम लिखे। और कहानी ये बताई कि ये वो लोग थे जो सत्येंद्र दुबे उस रात जब स्टेशन से घर जा रहे थे, उनके हाथ में एक बैग था, अचानक लुटेरों ने उन पर हमला किया, वो बैग उनसे छीनना चाहते थे। सत्येंद्र दुबे ने बैग देने से मना कर दिया और बदले में उन्होंने देसी कट्टे से गोली चला दी और बैग लेकर चले गए। बाद में वो बैग भी मिल गया। इन तीन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और इन तीनों को बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि सत्येंद्र दुबे के कत्ल में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। परिवार के लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो उनके भाई के कातिल को सजा मिली, लेकिन सत्येंद्र दुबे के अपने भाई ने बाकायदा सामने आकर यह कहा कि ये जो तीन लोगों को अदालत ने और सीबीआई ने मुजरिम ठहराया, ये तीनों बेकसूर हैं। इन तीनों का सत्येंद्र दुबे के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। सीबीआई ने अपनी एक कहानी बनाई और उस कहानी के तहत इन्हें मोहरा बनाकर फंसा दिया गया, जबकि जो असली कातिल है वो आज भी सीबीआई और सरकार की पहुंच से दूर है। वो इसलिए क्योंकि वो सभी इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी में जो घपला चल रहा था उससे जुड़े बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें बड़े अफसर हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े माफिया हैं, और उनको बचाने के लिए तीन गलत लोगों को फंसा दिया गया और उनकी लूटपाट की एक मामूली सी कहानी बनाई गई और फिर जेल भेज दिया गया। सत्येंद्र दुबे के परिवार को आज भी लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। जिस ईमानदारी की लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई सत्येंद्र दुबे के बाद जिस तरीके से जांच हो की जानी चाहिए और गुनहगारों को सामने लाना चाहिए, वो अधूरा रह गया। लेकिन इसका असर ये हुआ कि बाद में IIT में सत्येंद्र दुबे के नाम पर एक मेमोरियल, एक अवार्ड, इंडियन एक्सप्रेस जो रामनाथ गोयनका अवार्ड हर साल मिलता है उसमें भी एक खास तौर पर सत्येंद्र दुबे के नाम पे अवार्ड, विदेशों में कई ऐसे, और एक मुहिम चली थी उस वक्त सत्येंद्र दुबे को लेकर और ऐसे ईमानदार अफसर को लेकर। लेकिन मुहिम की बात अलग थी, सच्चाई यह है कि जिस सच्चाई और ईमानदारी के लिए सत्येंद्र दुबे ने लड़ाई लड़ी, उसी सत्येंद्र दुबे की जान दो वजहों से गई। एक, सत्येंद्र दुबे ने भ्रष्टाचार के आगे झुकने से मना कर दिया, जिसकी कीमत चुकाई। दो, भ्रष्टाचार की जड़ें देश के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक थी जमी हुई। ये सबूत है इस बात का कि जो एक गोपनीय मेल सत्येंद्र दुबे ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा, उसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ करप्ट अफसरों ने उस मेल को लीक किया, जिसकी वजह से एक होनहार, एक ईमानदार, एक काबिल इंजीनियर की वक्त से पहले मौत हो गई। आज भी जब ईमानदारी और इस लड़ाई में कोई आहूति देने की बात आती है, किसी ईमानदार अफसर की बात आती है, एक अच्छी चीज़ ये है कि हर तबका सत्येंद्र दुबे के नाम को आगे रखता है, याद करता है। सोचिए, सिर्फ 30 साल भी शायद पूरी उम्र नहीं हुई, सत्येंद्र दुबे जैसे अगर सरकारी अफसर मुलाजिम इस देश में हों तो फिर इस देश की तकदीर और तस्वीर क्या होगी। अगर हम सब ये तय कर लें कि करप्शन को हम पनपने नहीं देंगे, न रिश्वत लेंगे न देंगे, तो फिर जिस सड़क की एक शुरुआत थी, हम सभी वाकिफ हैं कि हमारे घर के आसपास हम हमेशा आप देखें कितनी बार सड़कें बनती हैं, कितनी बार टूटती हैं, बल्कि करप्शन इस हद तक है कि एक बार आकर पहले अथॉरिटी सरकार सड़क बना के चली जाती है, पता चला वो सड़क बना के गई, उसके दो दिन के बाद टेलीफोन वाले आ जाते हैं और वो गड्ढा खोदते हैं कि इसमें वायर डालना है, उसके एक हफ्ते के बाद जब वो फिर चले जाते हैं फिर सड़क बनती है, फिर LPG गैस वाले आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ खुदाई करनी है, उसके कुछ दिन के बाद फिर आते हैं तो आप देखते हैं कि वाटर जो विभाग है, जल विभाग, वो आ जाते हैं कि हमें पाइप की सफाई करनी है। अब यहाँ ये देखिए कि एक सड़क बनाई गई और उस सड़क के बाद अलग अलग खुदाई और फिर उसको बनाते का काम, क्या ये चूँकि सारी सरकारी एजेंसी हैं, चाहे वो टेलीफोन हो, बिल्कुल अलग अलग होंगी मंत्रालय में, लेकिन मंत्रालय में भी तो सारे मंत्रालय का एक तो मुखिया होता है, तो क्या ये प्लान नहीं हो सकता कि इस महीने अगर हम सड़क बनाएंगे उससे पहले आप नोटिस और समन जारी करके या फिर सूचित करके कि टेलीफोन वाले तुम्हें कोई तार डालना है, बिजली वाले तुम्हें कुछ और काम करना है, गैस वाले तुम्हें कुछ करना है, पानी वाले तुम्हें पंप डालना है,
तो आ जाओ, इतने इतनी मोहलत है, इसके बाद हम सड़क बनाएंगे, तो सरकार का कितना खर्चा बचेगा। लेकिन सवाल ये है कि जितनी बार सड़क बनेगी उतनी बार टेंडर पास होंगे, जितनी बार टेंडर पास होंगे उतनी बार पैसे कमाए जाएंगे। यही होता आया, यही हो रहा है। इसी चीज़ को बदलने की कोशिश की थी सत्येंद्र दुबे ने, अंजाम हम सभी के सामने। तो आज कहानी में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।